हेलो स्टूडेंट, मैं फ्रिक्शन में इंक्लिनेशन वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको. इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन, हमारे पास फॉर्मेट दे रखा है. एक ट्रायंगल है, एंगल अल्फा दिया हुआ है, इंक्लिनेशन है. यहाँ पर हमने एक सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं. दिस इज योर अल्फा, mg cos alpha. इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन लग रही है, ये mg है और ये वाला कंपोनेंट जो है पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस इज mg sin alpha. मोशन ऑफ द बॉडी कंसीडर कर रहे हैं डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो फ्रिक्शन फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगेगा. इस केस में मैंने एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये पी है. तो देखिए, एट इक्विलिब्रियम आर इक्वल टू हो जाएगा mg cos alpha. जो फोर्स हमने इस केस में लगाया हुआ है वो अलोंग द सरफेस है. अब आप देखिए मोशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है. तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे mg sin alpha माइनस म्यू आर माइनस पी इक्वल टू एम इंटू ए. यानी इस मोशन में हम एक्सीलरेशन को कंसीडर कर रहे हैं. इक्वेशन नंबर वन ये है, ये इक्वेशन नंबर टू है. आप यहाँ से क्या करिए, इक्वेशन वन से आर की वैल्यूज में पुट कर दीजिए. यू हैव गॉट एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा माइनस पी इक्वल टू एम इंटू ए. और यहाँ से फाइनली यू हैव गॉट द एक्सीलरेशन. एम को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा माइनस पी अपॉन एम. तो फाइनली यू हैव गॉट दिस, दिस इज योर एक्सीलरेशन. नेक्स्ट केस में हम कंसीडर कर रहे हैं केस नंबर टू. बॉडी इज मूविंग अप टू द प्लेन, यानी बॉडी को हम ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं. तो सेम ये कंपोनेंट वैसे ही रहेंगे. दिस इज योर mg cos alpha परपेंडिकुलर टू द प्लेन. आर एक रिएक्शन है, mg sin alpha along to the plane. alpha यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. और अब की इस वाले में आप कंसीडर कर रहे हो बॉडी इज मूविंग अप टू द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो देखिए r इक्वल टू हो जाएगा आपका mg cos alpha. इस कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन इज ऑलवेज एट अपोजिट टू द मोशन. तो इस केस में नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू आर प्लस एम जी साइन अल्फा. म्यू एज इट इज रखिए, ये हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा. इस इक्वेशन में से आप कॉमन ले सकते हैं एम जी. फाइनली हैव गॉट म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा. और यहां से आप एम से एम कैंसिल कर सकते हैं. तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू डाउन अपवर्ड टू द प्लेन आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्फा यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है. इसी में एक और केस कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज योर केस नंबर थ्री. ये भी इंक्लाइन प्लेन का केस है. इंक्लाइन प्लेन के केस में आपने फिर से एक बॉडी को यहाँ पर रखा हुआ है. इसके कंपोनेंट करोगे, दिस इज अल्फा, ये एम जी कॉस अल्फा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड एम जी साइन अल्फा अगेन अलोंग टू द प्लेन. यहाँ पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द रिएक्शनरी फोर्स. तो आप यहाँ दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, ये पी कॉस थीटा होगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज पी साइन थीटा. मोशन है डाउनवर्ड टू द प्लेन, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ मोशन तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे. एक और चीज इसमें बता रही हूँ, अगर आपको अल्फा गिवन ना हो और आपको प्लेन की हाइट और उसकी लेंथ गिवन हो तो आप साइन अल्फा निकाल सकते हो डायरेक्ट. दैट इज हाइट ऑफ द प्लेन अपॉन लेंथ ऑफ द प्लेन साइन आने के बाद आप कॉस भी फाइंड आउट कर सकते हो. ये मैथ्स का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से. तो देखिए इस केस में आपके पास आर प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 आएगी. यहाँ से आप आर की वैल्यू ड्राइव कर सकते हो
और इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास आएगा क्योंकि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड है तो एम जी साइन अल्फा माइनस पी कॉस थीटा माइनस मी यू आर इक्वल टू एम इन टू ए। आप आर की वैल्यू पुट करके यहाँ से एक्सलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके फाइन, थैंक यू, शुक्रिया। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, अदरवाइज आप इंडिविजुअल भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, कीप सपोर्टिंग।